जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव मुनीमपुर महेशपुर भीला में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी ग्रामीण पालन कर रहे हैं। अपने अपने घरों से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से गांव के अंदर कुछ परेशानी आ रही है। इसी बात को लेकर कुछ ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि हमारे गाँव के अंदर गरीब लोगों के जॉब कार्ड बने हैं, लेकिन वह कुछ लोगों के पास ही अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी से लिखित में की थी, लेकिन ग्रामीणों को अभी तक जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने जॉब कार्ड की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि सभी जॉब कार्ड धारकों को सस्ता राशन विक्रेता द्वारा फ्री दिया जाएगा, लेकिन सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर ग्राम प्रधान से अपने अपने जॉब कार्ड मांगने के लिए प्रधान के घर पर पहुंच गए। वहीं ग्राम प्रधान ने कहा कि आप लोगों के जॉब कार्ड नहीं आए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सूची में तो हमारे नाम मौजूदा है, तब हमारे जॉब कार्ड क्यों नहीं दे रहे। ग्राम प्रधान ने कहा कि अभी इन लोगों के जॉब कार्ड नहीं आए हैं, जॉब कार्ड आने के बाद इनको दे दिए जाएंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के अंदर राशन डीलर भी एक यूनिट पर 4 किलो गल्ला देता है, जिसकी शिकायत हमने उस अधिकारियों से भी की थी और अभी तक राशन डीलर की कोई भी जांच नहीं हो पाई है। सभी ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर प्रदेश द्वारा गरीबों को हर चीज उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन हम गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। हमारा हक हमें मिलना चाहिए। मैं महेशपुर का मूल निवासी हूँ। प्रधान जी ने जॉब कार्ड बनवा के अपने पास रखा है, आज तक ना ही जॉब कार्ड दिया ना ही कोई पेमेंट दिया है। ठीक, अब से लगभग 4 साल पहले एक बार खाते से पेमेंट हुआ था मेरे 1938 रुपये का, उसके बाद में कोई पेमेंट नहीं हुआ है। कल प्रधान जी के पास में कार्ड लेने गया था तो उन्होंने कहा बोलो कार्ड हमारे पास नहीं आया, जबकि सेक्रेटरी से हमने बात करी तो वो कहते कार्ड यहाँ से जा चुके हैं हमारे पास। ठीक, तो इतना कहने के बाद में प्रधान जी नमाज पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी अधिकारी से बात की आपने? नहीं, फिलहाल तो किसी अधिकारी से बात नहीं करी हमने। कितने साल हो गए आप? मतलब जब से प्रधानी बनी है तब से आज तक कार्ड ही नहीं दिया है ना। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जॉब कार्ड हमारा हमें मिले और जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। कहाँ का निवासी? क्या परेशानी है? जो परेशानी ये है कि हमारा मतलब जॉब कार्ड हमारा प्रधान दे नहीं रहा है, और जो हमने काम किया उसके पैसे भी नहीं दिए हमें, और जो थोड़ा बहुत काम किया तो उसके हमें पैसे डलवाए खाते में, हमसे ही निकलवाए, हमसे ले लिए। जो भी खा पैसे मतलब डालता है हमसे ले लेता है, और थोड़ा बहुत दिन ही काम किया उसके बाद फिर जो पैसे मतलब काम के थे हमारे वो भी दे पा रहे हैं। जैसे जॉब कार्ड उन्होंने उसमें गल्ला मिला फिर? मतलब गल्ला भी नहीं मिला हमें। गल्ला नहीं मिला? नहीं नहीं, गल्ला नहीं मिला है। अच्छा, और क्या बोलते हैं उधर चल के मसले हो रही है। अच्छा, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है इसमें कोई परेशान? मतलब लॉकडाउन में सीएम साहब ने पैसे भेजे हैं ऊपर से, तो प्रधान ने हमारे तक हमारे पास तक नियान दिए, जो कार्ड अपने पास रख के हमारे खाते में पैसा नहीं आया कोई, जो मतलब मतलब जो खुद ही निकाल लेता है पैसे। नहीं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है इसमें कोई गरीब लोग परेशान हैं उनकी मदद? मतलब जो लॉकडाउन में गरीबों की जो मतलब आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रधान या ब्लॉक से कोई भी अधिकारी हमारे गाँव में नहीं आया। अच्छा, आने चाहिए? नहीं आने आना चाहिए, आपस में बात कर रहे हैं दूसरे की, लेकिन प्रधान कोई मदद नहीं कर रहे, और गरीबों को कार्ड दवाई पड़ा है और कोई पैसा हमारे पास तक नहीं आने दे रहा। ऐसे समाज के लोग हैं। ग्राम प्रधान मुनीमपुर। सर, ये जो लोगों ने शिकायत कर रहे हैं कि जॉब कार्ड के मामले में, ये क्या मामला है सब? आप झूठ बोल रहे हैं, जॉब कार्ड सबके पास होंगे, सबके पास जॉब कार्ड है। अच्छा, हाँ। अब उनका ये भी कहना है कि जैसे अब मुख्यमंत्री का आदेश है जॉब कार्ड पर राशन मिलना चाहिए, पैसे भी मिलने चाहिए, आर्थिक सुविधा भी मिलनी चाहिए। आप उनका कहना है कि अभी प्रधान की तरफ से कोई भी सुविधा हमें प्राप्त नहीं हुई है। नहीं, राशन कार्ड डीलर जो जिनके नाम आए वो राशन कार्ड डीलर दे रहा है राशन उन्हें, और ये पैसे आने वाली बात, जब राशन पैसे उनके खाते में ट्रांसफर करेगा खाते में से निकालेंगे जब भी निकालेंगे। जी जी, ऐसा तो पैसे किसी के पास आते नहीं है ना, ग्राम प्रधान के, वो तो खाते में जाएंगे जो भी पैसे जाएंगे। अच्छा, जो भी सुविधा देगी गवर्नमेंट। जी जी, मनरेगा में कितने लोग होंगे आपके? काफ़ी लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, 100-125 लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं लगभग। अच्छा, जॉब कार्ड में आप क्या सुविधा आपने कराई उनके लिए, कुछ कराया सब? ना, अभी तो शासन से कोई पैसा, जो शासन डालेंगे पैसे उनके खाते में जो भी डालेंगे। जी, जब अच्छा उनका तो ये एक हज़ार की जो प्रक्रिया जो सुनने हैं वो लोग कहने के 1000 हमारे खाते में पड़ेंगे, वो तो शासन स्तर से पड़ेंगे, अगर पड़े तो ना, तो अभी तक वैसे खुद यूपी में कहीं पड़े नहीं है। तो खाली इल्जाम लगा रहे हैं आप? हाँ, झूठा बिल्कुल, पैसे तो कहीं नहीं आए हैं, यानी किसी ब्लॉक में भी नहीं आए। जी जी। अच्छा, कितने गरीब परिवार होंगे जिनके जमीन वगैरह या खाने पीने का हिसाब नहीं होगा? वो तो ऐसे तो जिनके नाम में ऐसे 2-4 परिवार होंगे जिनके जमीन उमीन ना होगी। जी जी, हाँ। आपने मदद की उनकी? हाँ, मदद की थी आपने? नहीं, मदद क्या, जो जिसे चारे जो चारा उधार पानी के लिए वो सब बेचारे को दी जा रही है, जो भी होगा ये है।